चटपटा एंड टेस्टी बनाते हैं अचारी करेला का भरवा। अपने तरीके से करेला काट के रेडी कर दिए हैं, पानी रखे हैं, पानी बॉयल हो चुका है, इसमें डालते हैं करेला। करेला बॉयल हो चुका है, इसको निकाल देते हैं, छान लेते हैं, ग्राइंडर जार लिए हैं, उसमें डालते हैं मसाला। रेडी है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, जीरा मिर्च, हल्दी पाउडर, सरसों पाउडर, इन सबको थोड़ा सा डालते हैं पानी, इन सबको ग्राइंड कर लेते हैं। मसाला ग्राइंड हो चुका है, टमाटर है इसको भी ग्राइंड कर लेते हैं। सारा सामग्री रेडी हो चुका है, कढ़ाई रखते हैं, कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें डालते हैं सरसों का तेल, आप कोई भी तेल बना सकते हैं। इसमें डालते हैं थोड़ा सा मेथी दाना, जीरा, हरी मिर्च, प्याज और जो करेले के अंदर का जो निकाले थे उसको भी डाल देते हैं। मसाले के साथ अच्छी तरह से भून जाएगा, इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब इसको ढकते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुका है, अभी भी रेडी नहीं है, इसको अभी भी ढकते हैं, ढकने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं, सबको अच्छी तरह से चला लेते हैं। इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, ताकि हमारे टमाटर और प्याज है इसको अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, मिल जाए। अब इसको ढक ढक कर पकाना है, कलर चेंज होने के बाद इसमें डालेंगे हम मसाला। फिर से एक बार ढक देते हैं, प्याज हमारा पक चुका है, इसमें डालते हैं पिसा हुआ मसाला, टमाटर का पेस्ट, इन सब नमक स्वाद अनुसार, इन सबको अच्छी तरह से चला लेते हैं। अब इसको ढकते हैं, ढक ढक कर पकाना है। फ्लेम को आप धीमी कर सकते हैं, धीमी आंच पर ही पकाएं। अब इसको अच्छी तरह से चला लेते हैं। अब इसमें डालते हैं आम का पेस्ट, आप इसके जगह आम का अचार भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे पास था डाल दिए। मसाला हो चुका है रेडी, अब इसको करेले को में भर देते हैं। इसी तरह से सारे करेले में भर देंगे। सारे करेले में मसाला भर चुका है, मसाला बच गया है, इसमें डालते हैं टमाटर, इसमें भी भर देते हैं। चलते हैं चूल्हे की तरफ, तेल गरम है, इसमें डालते हैं जीरा, मेथी, हरी मिर्च, इसमें डालते हैं भरा हुआ करेला। सारे करेले को एक एक करके डाल देंगे। और इसके साथ जो टमाटर था उसमें भी मसाले को फिल कर दिए थे, उन सबको डाल देते हैं। सारे मसाले को, सारे करेले को डाल दिए, इसमें जो टमाटर का पेस्ट था उसको भी डाल देते हैं ताकि कड़वा ना लगे। इसको ढक ढक के पकाना है, ढक देते हैं और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। अच्छी तरह से आराम से उलट पलट कर लेते हैं। उलट पलट करके इसको एक बर्तन से फिर से ढक देते हैं 2-3 मिनट के लिए। 3 मिनट हो चुका है, देखते हैं सब्जी बन के रेडी हो चुका है। चूल्हे को ऑफ कर दिए हैं, इसको दूसरे बर्तन में कर लेते हैं ट्रांसफर। वीडियो पसंद लाइक शेयर कमेंट करें, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।